ब्लैक फंगस का म्यूकोरमाइकोसिस का थर्ड पार्ट वीडियो है। थर्ड पार्ट वीडियो में ये डिसीज का रिलेटेड है सो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन को देखी जाए। तो हमें चार पार्ट में उठाया हूं। फर्स्ट पार्ट में फंगस का बरसे की इंट्रोडक्शन भी, सेकेंड पार्ट में पेशेंट का कंप्लेन्स क्या क्या रंगागर को भी, हमें डॉक्टर्स हमें एग्जामिन करते ही क्या क्या पॉजिटिव फाइंडिंग्स रंगागर को भी, थर्ड में इन्वेस्टिगेशन भी, टेस्ट क्या क्या करना होगा, लास्ट पार्ट में उसका मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट भी, सर्जिकल मैनेजमेंट भी। अब इसमें इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर तो टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट ज्यादा रहने चांस है। इसमें मेन होको सी रिएक्टिव प्रोटीन को है, उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे हमें। ये जनरली कोविड पेशेंट का इन्फेक्शन टाइम में ये वैल्यू ज़्यादा रहता, वैसा इसके साथ सी ESR भी उठाए तो अच्छा। अब डायबिटिक पेशेंट्स में ये ज़्यादा आने से भी डायबिटिक पेशेंट अच्छा कंट्रोल में रहना, उसके वास्ते रैंडम ब्लड शुगर भी, फास्टिंग ब्लड शुगर भी, पोस्ट ब्रांडल ब्लड शुगर भी देखेंगे हमें। उसका साथ इच ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन को है HbA1c, वो उठाए तो उसका वैल्यू रखो लास्ट 3 महीने में ब्लड शुगर कंट्रोल में था कि नहीं कि मालूम होगा। वैसा ये ब्लैक फंगस में तो म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हो, डायबिटिक का कॉम्प्लिकेशन स्टेज में ज़्यादा आने का चांस है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो, न तो शुगर बहुत ज़्यादा है तो, वैसा है तो वो कैसा मालूम होगा, तो उनका यूरिन टेस्ट करते ही यूरिन में कीटोन बॉडीज से ज़्यादा रहने का चांसेस है। उसको ऐसा यूरिन में कीटोन बॉडीज भी हमें चेक करेंगे। अब उसका साथ इच सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स देखे तो अच्छा कि तो उसका ट्रीटमेंट में हमें हेल्प होगा। वैसा ट्रीटमेंट में हेल्प हो तो सो दूसरा टेस्ट क्या क्या पूछो तो यूरिया क्रिएटिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की कहो तो ये एंटी फंगल ट्रीटमेंट सब भी किडनी को इफेक्ट करने का चांसेस बहुत हाई। उसके वास्ते क्रिएटिन भी बेसलाइन वर्कअप बहुत इंपॉर्टेंट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मली 60 से ज़्यादा रंग उसको वैल्यू, सपोज 60 से कम है, 15 से ज़्यादा है तो किडनी इफेक्ट हुआ है, मतलब म्यूकोरमाइकोसिस से नहीं, हमें दे तो सर दवाई से। उसको वास्ते हमें बेसिक वैल्यू कैलकुलेट करके रखनी है। वैसा से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 15 से नीचे है तो किडनी फेलियर को, मतलब सीरम फेरिटिन भी वैल्यू भी देखे तो अच्छा। अब नेक्स्ट क्या कहते हो, बेसलाइन वर्कअप हो को कैसा हमें यूरिया क्रिएटिन देखे कि वैसा ECG भी एको भी देखने की तो एंटी फंगल मेडिकेशन से इसे भी इफेक्ट कर सकता, हार्ट को भी इफेक्ट कर सकता। अब नाक में साइनस में इन्वेसिव फंगल बोलते सो म्यूकोरमाइकोसिस खाली नहीं, एस्परजिलस भी हो सकता। तब म्यूकोरमाइकोसिस का टेस्ट कैसा, डेफिनेटिव टेस्ट क्या पूछे तो बायोप्सी उठाए तो मालूम होगा, वैसे कल्चर भी कर सकते हैं, बायोप्सी मेनों को मालूम होगा, स्ट्रेन करते भी मालूम हो जाएगा। अब एस्परजिलोसिस में दो टेस्ट कर सकते, एक गैलेक्टोमैनिन एंटीजन से ऐसे भी, अब एक भी बीटाडीन ग्लूकैन ऐसे भी। यूजली बीटाडीन ग्लूकैन ऐसे म्यूकोर है को तो भी वो नेगेटिव आएंगा, एस्परजिलोसिस भी दूसरा कहते हुए है तो भी पॉजिटिव आएंगा। तो ये दो टेस्ट हमें काय को लास्ट वैसा टेस्ट काय को कर देंगे तो म्यूकोरमाइकोसिस नाइस है, दूसरा कहते भी फंगस होने का चांसेस है क्या नहीं क्या मालूम होने वाला है क्या नहीं क्या होगा। तो म्यूकोरमाइकोसिस का डेफिनेट ट्रीटमेंट क्या पूछे सो इन्वेस्टिगेशन क्या पूछे तो बायोप्सी, वो बायोप्सी वो टिश्यू निकाल को टेस्ट को भेजना। वो टेस्ट को भेजते सो मेन हो को हमें दो डिपार्टमेंट में भेजेंगे, एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, अभी एक आपको माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में भी। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट फ्रेश स्पेसिमेन भेजेंगे, वो आपको उन्होंने स्टेन माइक्रोस्कोप में वो देखेंगे, वो टिश्यू इन्वेसिव हो क्या, ब्लड वेसल को इन्वेट करेगा क्या नहीं क्या, वैसा को चेक करेंगे। वैसा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट आपको फंगल स्टेन करके उसका स्ट्रक्चर म्यूकोरमाइकोसिस डायग्नोसिस बोलेंगे, कल्चर भी करेंगे। तब ये बायोप्सी में मैं पहले बोले से कहा ऊपर का कवरिंग की म्यूकोसा भी, उसका नीचे का कवरिंग की सब म्यूकोसा का भी, उसके नीचे ब्लड वेसल भी रहेगा तो म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा ये ब्लड वेसल को इन्वेट करेंगे, ब्लड वेसल का अंदर जाएंगे, जाको
वो कौन सा ब्लड वेसल है कि उसका खून जातो सो खड़ा दालूंगा, तब उसको उस तरफ ब्लड सप्लाई नहीं रहेगा, ब्लड सप्लाई नहीं सोचे उतना जगह भी खून कम रहने से वो टिश्यूस भी डेड होकर काला कलर में बदल जाएगा। अब ये बायोप्सी के बारे में, अब बायोप्सी ज़्यादा भी हमें बेड साइड में पहले उठाना ट्राई करेंगे, वैसा नहीं फुल पॉजिटिव है का तो ये ज़रूर हम म्यूकोर माइकोसिस कोविड पेशेंट है, बाकी सब फीचर्स है तो थिएटर में जाकर हमें बायोप्सी उठाकर ऑपरेशन भी कम्प्लीट कर देंगे। अब सीटी स्कैन होना की एमआरआई होना की तो पूछो तो सीटी स्कैन भी होना साथ साथ में एमआरआई भी, दो भी मिलकर होना कुछ मैं बोलूँगा। अब सीटी स्कैन में क्या फाइंडिंग है तो नॉर्मली एक साइनस का सीटी स्कैन उठाए तो साइनस के अंदर हवा रहने से काला कलर रंगा होना तो साइनसाइटिस में तो ये फंगस रहे तो वो एक वाइटिश रंगा वो जाते उसके अंदर साइड में है जो बोन्स पर वो नहीं से कर डालूंगा, नाक में है जो टिश्यू को वो नहीं से कर डालूंगा, हंकी का इन्वेड हुआ रहे तो हंकी का टिश्यू में पूरा वो नहीं से कर डालूंगा, साइनस का पिक्चर है जो फैट प्लेन्स है वो फैट को पूरा वो नहीं से कर डालूंगा, वहाँ से इन्वेड होकर स्कल के नीचे तक जा सकता, ब्रेन के नीचे से स्कल के नीचे से जा सकता। अर्ली स्टेज है तो सीटी स्कैन भी नॉर्मल बता सकता, उसका मतलब ब्लैक फंगस नहीं कर को नहीं हो सकता हूँ तो सीटी स्कैन नॉर्मल बता सकता, वोट्स टाइम में हमें नाक में एंडोस्कोपी करते ही एंडोस्कोपी भी नॉर्मल बता सकता होना तो पेशेंट कोविड पेशेंट वैक्सीनेशन उठा को नहीं, फीवर है, एक साइड में सूजन है, वो बडलों को आता वैसा है का तो स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ब्लैक फंगस का है का तो हमें ज़रूर ऑपरेशन थिएटर में ले जाको वो साइनस ओपन करको उसे बायोप्सी उठा को वो क्लीन करेंगे कि तो सीटी स्कैन नॉर्मल है एंडोस्कोपी नॉर्मल है कर हमें वेट करेंगे नहीं, बाकी फीचर्स पर बहुत सजेस्टिव रहे तो वो आने का पहले कितना जल्दी निकाले कि उत्तर को अच्छा एक बार उसका एक्शन आना शुरू होगा तो बहुत फास्ट होकर रैपिड होकर वो स्प्रेड होगा उसको वास्ते। अब आपको एमआरआई स्कैन में पहले बोले से का फाइंडिंग्स रंगा साथ साथ में वो टर्बिनेट पहले मैं बताया था सेकेंड पार्ट वीडियो में उसमें ब्लैक टर्बिनेट साइन करको है वो साइट का टर्बिनेट यूजली वाइटिश रंगना सो एमआरआई स्कैन में इसमें काला होकर बदल जाएगा उसे ब्लैक टर्बिनेट साइन वो सब बोलते सो। अब इसका स्पेशल स्ट्रेन्स है उसका डिटेल्स के बारे में मैं जाता नहीं कि तो पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम रहने से अब ये फंगस की ये काला कलर करता को मैं भी समझा तुम ये फंगस पहले साइनस का अंदर जाको नहीं तो स्किन का वहाँ आको वहाँ है सो ब्लड सप्लाई कर सो ब्लड आको ब्लड वेसल का अंदर जाता सो वो ब्लड वेसल का अंदर वेसल में टच होगा टच होकर डैमेज होते क्या होगा तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स को है वो प्लेटलेट्स आपको वो जगह आपको जमेंगा वो डैमेज रहने से तो प्लेटलेट जमे तो उसे थ्रोम्बोसिस फॉर्म बोलेंगे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा वो थ्रोम्बस फॉर्म होते क्या होगा तो कहाँ थ्रोम्बस फॉर्म होगी उसको उस तरह ब्लड सप्लाई नहीं रहेगा तब वो इन्फेक्शन होको नेक्रोसिस होको वो उतना जगह भी काला होकर बदल जाएगा ऐसा वो जगह स्किन भी वो जगह सो भी काला होकर बदलता सो तो ये वीडियो में हमें मेन होको ब्लैक फंगस का म्यूकोर माइकोसिस का स्पेसिफिक होको उसका इन्वेस्टिगेशन हमें देखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट 4 जरूर देखना तुम्हें उसमें हुआ हमें कैसा मैनेज करते हैं देखी जाओ आदाब।